नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना जिले के चित्रकूट से दो जुड़वां बच्चों का अपहरण किया गया और फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उन बच्चों की नृशंस हत्या कर उन्हें नदी में फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश के बबेरू से उनकी लाशें पाई गई, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कमलनाथ सरकार को इसके लिए दोषी माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रदर्शन के सिलसिले में नौगांव में छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को भाजपा ने काले झंडे दिखाए और कमलनाथ सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनका कहना था कि जब से कमलनाथ सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दो बच्चों को स्कूल बस से उतारकर अपहरण किया अपराधियों ने और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पे कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। कमलनाथ सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फेल है। इसी का विरोध करने हेतु कि कानून की व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई है उसको ठीक की जाए और मध्य प्रदेश में आम नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हम कमलनाथ सरकार का विरोध करते हैं। बच्चों के नृशंस हत्यारों को शीघ्र पकड़ के उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। त्योहारों के सीजन में अपनी खरीदारी को बनाइए और भी अधिक किफायती और उपहारों से भरी हुई। संदेश इन्फोकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आपके लिए त्योहारों के इस मौसम में उपहारों की सौगात। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदिए और साथ में पाइए 2,000 रुपए तक का गिफ्ट स्क्रैच कार्ड। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल, डाइकिन एसी, एलईडी फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। सारे आइटम पर पाइए बजाज फाइनेंस एवं एचडीबी फाइनेंस की सुविधा 0% ब्याज पर। तो आसान किस्तों के साथ अपने त्योहार पर कीजिए खरीदारी संदेश इन्फोकॉम पर आकर। संदेश मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मऊ दरवाजा, चित्रा टॉकीज के पास, छतरपुर। संदेश इन्फोकॉम, रिश्ता विश्वास का। सहयोगी प्रतिष्ठान मारुति कोरियर सर्विस।